फ्रेंड्स आज के भिडियोते एम एक स्टक के लिए आलोचना करते चले जर प्राइस चलते 500 काछाकाछी। तो आज के मेन प्रश्न हे ये स्टक की 500 के 1000 टाका अब्दि पोछाते पारबे किना। फ्रेंड्स देखो कंटिन्यूसलि देखते जर मध्य प्रचुर परिमाणे वॉल्यूम जेनरेट होच्छे। वन वीके ये स्टक हमें परफॉर्मेंस देखिए 27% मत, वन मान्थे 31% मत। कम्पानी बेशी दिन पुरनो नय सेई कारणेर जन्य आमरा वन इयार एबं थ्री इयार्स डेटा देखते पाच्छी ना। जदि वॉल्यूम देखबेन तो आज के देखते 4 लाख वॉल्यूम जेनरेट होयेछे यस्टरडे, माने लास्ट ट्रेडिंग सेशने आमरा देखते पाच्छी जे 3 करोड़ वॉल्यूम जेनरेट होयेछे। वन वीक आगे 2 करोड़ वॉल्यूम जेनरेट होयेछे, वन मान्थ आगे आमरा देखते पाच्छी जे 2 करोड़ वॉल्यूम जेनरेट होयेछे। तो वॉल्यूम आमरा देखते पाच्छी जे प्रचुर परिमाणे जेनरेट होयेछे एई कम्पानिर मध्ये। तो चलुन कम्पानिर बिजनेस की आछे बा कम्पानिर टेक्निकाली की इंडिकेट पावा जाच्छे चार्टेर मध्ये सेई सब विषय डिटेल्स एई भिडियोर माध्यमे चर्चा करते चलेछि। तारगे फ्रेंड्स एखोन अब्दि स्टक बेंगली चैनल के सबसक्राइब ना करेछेन ताहले सबसक्राइब करे निन एई धरनेर नतून नतून बांग्लाते भिडियो देखार जोन्नो। तो फ्रेंड्स कम्पानी वेबसाइटर ऊपर हमें चले एसेछि। कम्पानी नाम अपन सामने आज कम्पानी की काज करछे, एफएमसीजी सेक्टर बिलंग करछे एवं विभिन्न धरण अएल जातीय प्रोडक्ट बनाछे। फ्रेंड्स हमें देखते पाच्छी मुहूर्ते जे राशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध चलछे तार फले अएलेर प्रोडक्ट किन्तु बाइरेर देशे प्रचुर परिमाणे दाम बृद्धि पेयेछे एवं तार फले आमरा देखते पाच्छी जे इंडियन मार्केटे किन्तु सेई चाहिदाटा अनेकटा बेड़े गेछे। तो एखाने आमरा देखते पाच्छी कम्पानी विभिन्न जातीय प्लाम अएल, सनफ्लावर अएल, राइस अएल, मस्टार्ड अएल, फर्चून अएल ये किन्तु प्रोडक्ट हमें देखते जे सेल्स करछे। तो से कारण जो मार्केटे मुहूर्ते किन्तु डिमांडे आछे अदानी विलमार। अदानी विलमार के फ्रेंड्स हमें देखते सबे सबे स्टक एक्सचेंजे एसेछे बेशी दिन पुरनो नय। मार्केट कैप होच्छे 64,000 करोड़। लार्ज कैप कम्पानी आछे फ्रेंड्स हमें देखते आरो आछे 23। तो वेरि स्ट्रंग देखते पावा जाच्छे। एर मध्ये हमें देखते जे अलमोस्ट आज के 8.44% मत पॉजिटिव मूवमेंट देखते पावा गेछे। एक दिन ही अनेकटा मूवमेंट देखिए दिए कम्पानी सब स्टक एक्सचेंज एसेछे। फ्रेंड्स देखुन जे सेक्टरे बिलंग करछे तार मध्ये नम्बर वन आछे, मार्केट लीडर आछे आमरा देखते पाच्छी। सेल्सेर उपर फ्रेंड्स चले जाबो एबं देखबो जे सेल्स केमन होच्छे। 2017 साले कम्पानिर मध्ये सेल्स छिलो 22,000, देन आमरा देखते पाच्छी 26,000, 28,000, 29,000 एबं 2021-এ 37,000 करे। तो कन्टिन्यूसलि कम्पानिर मध्ये सेल्स बेड़े। नेट प्रॉफिट जो देखें तो 230, 375, 365, 395 और 2021-এ 655 कर। तो कंटिन्यूसलि कम्पानी मध्य सेल्स बेड़े और नेट प्रॉफिटो जेनरेट होदी। फ्रेंड्स अपना होल्डिंग देखें तो ये देखते प्रमोटर का होल्डिंग आज 87% मत। म्यूचुअल फंडर मध्य सामान्य होल्डिंग रेखे, अदार डोमेस्टिक के देखते सामान्य होल्डिंग रेखे और फरेन इन्स्टिट्यूशन मध्य अलमोस्ट 3% मतन क्योंकि होल्डिंग रेखे। कम्पानी मध्य मुहूर्ते हमें देखते सरकम डेप नहीं, अलमोस्ट डेप फ्री कम्पानी आज सब सब स्टक एक्सचेंज एस। फ्रेंड्स मैक्सर चार्ट अपन सामने लगा देखूँ एखे देखते पाव आज फेब्रुआर मासे क्योंकि ये स्टक एक्सचेंज एस। जदि चार्टर ऊपर जाबन तो ये देखो फ्रेंड्स हमें देखते फेब्रुआर मासे स्टक एक्सचेंज एस और प्राइस छो 227-এর কাছাকাছি। দেন সেখান থেকে অলমোস্ট বাম্পার লিস্টিং গুলো আমরা দেখতে পেলাম 415 অবধি পৌঁছালো। এখানে দেখুন ফ্রেন্ডস আমরা দেখতে পেয়েছি যে মার্কেট কারেকশন স্টক কিন্তু নিচের দিকে নেমে এসেছে। অলমোস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি 341 অবধি নেমে এসেছে কিন্তু এর মধ্যে ভারী কারেকশন আসেনি। কেননা এর যে প্রোডাক্ট আছে, এর যে বিজনেস আছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মার্কেটে কিন্তু খুবই ডিমান্ডে আছে। এখানে দেখুন ফ্রেন্ডস আমরা দেখতে পাচ্ছি রেজিস্ট্যান্সের উপরে ক্লোজিং দিয়েছে এবং ছোট একটা বক্সের মতনও তৈরি হয়েছে। এখানে দেখুন ডারভাস বক্সের মতন তৈরি হয়েছে এবং এই বক্সের উপরে ফাইনালি ক্লোজিং দিয়েছে। তো সেই কারণের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর মধ্যে কিন্তু পজিটিভ মুভমেন্ট দেখতে পাওয়া গেছে। একদিনই আমাদেরকে 8.5% মতো মুভমেন্ট দেখিয়ে দিয়েছে। তো ডেফিনেটলি এইসব স্টকের দিকে কিন্তু অবশ্যই আমরা নজর রাখতে পারি। এই মুহূর্তে বাজারে চাহিদা আছে খুবই অয়েলের, রান্নার অয়েলের খুবই চাহিদা আছে, সানফ্লাওয়ার অয়েলের কিন্তু প্রচুর চাহিদা আছে। তো সেই কারণের জন্য এর মধ্যে একটা পজিটিভ মুভমেন্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। চলুন কমিউনিটির কি মতামত আছে সেটাও আমরা দেখে নেব। ফ্রেন্ডস আমরা চলে এসেছি
মানি কন্ট্রোলের উপর আবারও ফিরে। এর মধ্যে ফ্রেন্ডস আমরা দেখতে পাচ্ছি 67% বলছে বাই করার জন্য, 23% বলছে সেল এবং 10% বলছে হোল্ড করার জন্য। তো হিউজ কমিউনিটির মধ্যে কিন্তু মতামত দিচ্ছে বাইং করার জন্য। তো আপনাদের কি মতামত আছে আদানি উইলমার্কে নিয়ে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ইনফরমেশন যদি ভালো লাগছে তাহলে ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন। দেখা হবে একটা নতুন ভিডিওর সাথে। লাস্ট অব দি ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।